लंदन पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। इसके साथ ही मामले की सुनवाई भी स्थगित हो गई और अब चीफ मैजिस्ट्रेट के सामने 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में साफ है कि नीरव मोदी 29 मार्च तक अब कस्टडी में रहेगा। आपको बता दें कि अदालत भारत में उसके प्रत्यर्पण को लेकर मामले की सुनवाई करेगी। नीरव की कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने कहा कि इस बात का पर्याप्त आधार है कि यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह बाद में आत्मसमर्पण के लिए पेश नहीं होगा। इस घटनाक्रम को नीरव मोदी को पूछताछ के लिए भारत लाने और सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भारतीय जांच एजेंसियों के प्रयास में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। नहीं मिली जमानत, पहले माना जा रहा था कि नीरव को लंदन कोर्ट से जमानत मिल सकती है। इसके बाद आगे मामले को विजय माल्या के केस की तरह चलाया जाएगा। हालांकि बुधवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब वह 29 मार्च तक कस्टडी में ही रहेगा। नीरव मोदी ने खुद को भारतीय अधिकारियों के हवाले किए जाने का विरोध किया है। गौरतलब है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भी लंदन में साल 2017 में गिरफ्तार किया गया था। हाल लॉकिंग कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इससे पहले उसी साल अप्रैल में भी माल्या की लंदन में गिरफ्तारी हुई थी और उस पर भी कुछ घंटों में उन्हें जमानत मिल गई थी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत के प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रत्यर्पण की अर्जी दाखिल करने के जवाब में यह अरेस्ट वॉर जारी किया था। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि नीरव मोदी को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी को हाल में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बारे में सूचित किया गया था और नीरव मोदी को जल्द ही स्थानीय पुलिस लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की बात कही गई थी। 11,400 करोड़ का पीएनबी घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। नीरव मोदी इसका मुख्य आरोपी है। इसमें नीरव के मामा मेहुल चौकसी भी शामिल है। 7 साल तक पीएनबी घोटाला चलता रहा, लेकिन आरबीआई और वित्त मंत्रालय को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घोटाले में बैंक के कई कर्मचारी भी शामिल थे जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU शामिल है। यह एक तरह की गारंटी होती है जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब यदि खातेदार डिफॉल्ट कर जाता है तो LOU मुहैया कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाए का भुगतान करे। नीरव के खिलाफ दर्ज चार्जशीट के मुताबिक पीएनबी से फर्जी LOU के माध्यम से दुबई और हांगकांग स्थित शेल कंपनियों के अकाउंट में नीरव मोदी को पैसा मिला।